क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नालंदा में बीपीएल परिवारों के साथ सीपीआई ने की बैठक, बैठक में शामिल हुए सैकड़ों लोग। नालंदा में फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन, गरीब लोगों को मिलेगा फ्री इलाज। सहरसा में पुलिस को हासिल हुई बड़ी कामयाबी, भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। सहरसा में घर में घुसकर युवक का मर्डर, अपराधी ने युवक को मारी गोली। नालंदा में सहरसा में युवक ने किया आत्महत्या, परिजनों ने जमकर किया हंगामा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है बिहार की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। विवादित बयान देकर सुर्खियों में आना मंत्रियों की खासियत बन गई है। इसी क्रम में मोतिहारी पहुंचे राज्य सरकार के राजस्व मंत्री ने आर्थिक रूप कमजोर वर्ग के मिले आरक्षण पर दिए अपने विवादित बयान को फिर से दोहराया है। उन्होंने कहा कि कमजोर वर्ग के लोग अंग्रेजी सत्ता के समय से उनकी चाकरी किया करते थे, ऐसे वर्ग को आरक्षण देकर अंबेडकर के सपने को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। वहीं उन्होंने आरएसएस पर प्रहार करते हुए कहा कि मोहन भागवत आरक्षण के विरोधी हैं। बिहार लेलिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी की 100वीं जयंती जन्म शताब्दी समारोह के रूप में मनाई जा रही है। यह पटना के बापू सभागार में 11 बजे दिन में मनाई जाएगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी उसका उद्घाटन करेंगे और सभी जो पार्टी के जो प्रमुख लीडर्स हैं वो उसमें उपस्थित होंगे अतिथि के रूप में। नालंदा के मंसूर नगर मोहल्ले में सीपीआई के बैनर तले बीपीएल परिवारों के साथ सड़क पर बैठा किया गया। धरने में आधा दर्जन मोहल्ले के सैकड़ों लोग शामिल हुए। धरना का नेतृत्व सीपीआई नेता ने किया। वह सीपीआई नेता ने कहा कि मोहल्ले के लोगों ने सीपीआई कार्यालय में आकर यह शिकायत किया कि हम लोगों को सड़ा हुआ अरवा चावल खाने के लिए जन वितरण प्रणाली दुकान से मिल रहा है। इसके अलावा जो अंत्योदय योजना के तहत 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए में किलो गेहूं मिलना चाहिए, उससे सरकार ने बंद कर दिया है। वहीं सूचना मिलते सदर डीएसपी मौके पर पहुंचे, लोगों को शांतिपूर्ण बैठक करने का मशवरा दिया। लोगों को अंत्योदय योजना बंद कर दिया गया, सब गरीब के ना तकलीफ है जी सर, कि खाली मंसूर नगर लगी बना है कानून भाई। तो जो सब लोगों के लिए तकलीफ है तो सीपीआई पूरे बिहार में आंदोलन करेगी। सही तो हमारा घरे है, हम पहले अपना घर वाले लोगों को कह देना चाहेंगे कि हम जागल हैं, तो इससे पूरे बिहार को मैसेज दे देंगे कि अंत्योदय योजना बंद नहीं करने देंगे। अगर बंद करते हो तो रोड जाम करेंगे, कलेक्टर साहब को घेराव करेंगे जी सर, और अपना मांग को मनवा के रहेंगे।
नालंदा से है, जहां बीपीएल परिवारों के साथ सीपीआई ने बैठक की है। उनका कहना है कि अत्यंत्योदय योजना को हम खत्म नहीं होने देंगे। बैठक में शामिल सैकड़ों लोग उनके साथ दिखे थे। बीपीएल परिवारों के साथ बताया गया कि 2 रुपए का किलो चावल 3 रुपए में मिल रहे हैं, इसको लेकर वहां पर बैठक की गई, जिसमें सीपीआई के नेता शामिल हुए थे। सैकड़ों लोग वहां पर शामिल हुए थे नालंदा में। इसके साथ ही सीपीआई नेता ने सभी को धरने पर बैठने का मशवरा दिया था। खबर नालंदा से है, जहां सीपीआई नेता के साथ सैकड़ों लोग शामिल हुए थे, धरना प्रदर्शन किए थे अत्योदय योजना को लेकर। बता दें कि बीपीएल परिवारों के साथ सीपीआई ने बैठक की है। उनका कहना है कि उन्हें गेहूं चावल महंगे दामों में दिया जा रहा है। नालंदा के परसुरई प्रखंड के पास के पंचायत सरकार भवन में मुखिया ने फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया। इस मौके पर मुखिया ने बताया कि लोगों के लिए यह फ्री मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पटना के वरीय चिकित्सक लोगों को इलाज एवं चिकित्सीय परामर्श दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत के गरीब एवं असहाय लोग इलाज के लिए प्राइवेट चिकित्सकों के पास नहीं जा पाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए पंचायत सरकार भवन ने पटना के बेहतर चिकित्सकों से यहां चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध है। चिकित्सा परामर्श शिविर है, जहां पे डॉक्टर अमरकांत बाबू और डॉक्टर मनीष बाबू, जो अमरकांत बाबू है वो ईएनटी के स्पेशलिस्ट है और डॉक्टर मनीष बाबू एमडी मेडिसिन है। इन दोनों ने हमारे ग्राम पंचायत करापुरसराय के विशेष आग्रह पर हमारे पंचायत भवन में आकर के मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया है और लोगों का मुफ्त इलाज कर रहे हैं। यहाँ पे एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है, जो हमारे मुखिया जी हैं तबस्सुम मैडम, उनके पति खालिद मुन्ना के सौजन्य, और हम लोग यहाँ पे नाक कान गला का स्पेशलिस्ट है, नाक कान गला के सारे पेशेंट को देख रहे हैं। बहुत सारा ऐसा पेशेंट है जो सौरों में नहीं जा पाते, तो हम लोग यहाँ पे सारा मशीन ला के देख रहे हैं। ये एक एंडोस्कोपी सिस्टम है, इसमें कान का पर्दा बहुत अच्छे से दिखता है, कान में छेद है कि नहीं, कान बह रहा है कि नहीं, ये सारा इलाज जो हम लोग यहाँ फ्री कर रहे हैं। लोगों को सुविधा देने के लिए मेडिकल कैंप लगाया गया है। बता दें वहां पर असहाय और गरीब लोगों को फ्री में मेडिकल चेकअप दिया जा रहा है। गरीब और असहाय लोगों के लिए ये फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है। इन शराबबंदी कानून का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर पुलिस शराब और शराब कारोबारी को गिरफ्तार करती है। ऐसे में सहरसा पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां बीती रात पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने जब सोनबरसा की ओर से आ रहे वाहन की तलाशी ली, तो उनके अंदर से एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और 18 कार्टून विदेशी शराब मिली। इसके साथ ही पुलिस ने मौके से 4 अपराधियों को गिरफ्तार भी किया है। देर रात में सूचना मिली कि महेशकूट के रास्ते से शराब से लदी हुई 2 गाड़ी जो है गुजर रही है, जिसकी सूचना जो है हमारे जो एएलटीएफ के प्रभारी हैं इंस्पेक्टर राजमणि जी को प्राप्त हुई। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, इन्होंने अपने वरीय पदाधिकारियों से संपर्क किया। पदाधिकारियों से संपर्क करने के बाद जो है तुरंत कार्य योजनाएँ बनाई गई। कार्य योजना बना करके उसको चारों तरफ से उस रास्ते की नाकेबंदी की गई और चारों तरफ से सघन जांच किया गया। बहुत देर जांच करने के बाद ये 2 गाड़ी में शराब लदी हुई 2 गाड़ी मिली, जो आप पीछे देख सकते हैं। और उसमें जो गाड़ी प्राप्त हुई है, जो गाड़ी रिकवर हुई है, उसमें एक बोलेरो जीप है, एक बिलेनो 4 चक्का वाहन है,
साथ साथ जो उसके साथ आदमी थे उनके पास से एक 7.6 mm का देसी पिस्टल और उसी की एक मैगजीन और 3 जीवित कारतूस प्राप्त हुए हैं। बिहार के सहरसा जिले में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है, जहां बीती रात अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आपको बता दें कि युवक को गोली मारने के बाद जब अपराधी भागने लगे तो घायल युवक ने अपराधी को पकड़ लिया था, जिसके कारण अपराधी फरार नहीं हो पाया। हम और जमात हमारे घर में ही सोए हुए थे, बगल वाले में अपराधी आया और गोली मार दिया उसको। उसके बाद हल्ला हुआ तो उसके बाद हम भी घर से बाहर निकले तो देखे अपराधी को पकड़ा हुआ था, जिसको गोली मारा है वही पकड़ रखा था उसको, अपराधी को उसके हाथों से ही छुड़ाए हैं हम लोग। दो चार महिला भी थी, उसके साली थी, सास थी। मोतिहारी के छतौनी थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 3 घंटे के अंदर अपहरण को बरामद कर लिया है, साथ ही अपहरणकर्ता को भी गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अपहरणकर्ता मौके से फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। वहीं छतौनी थाना अध्यक्ष ने बताया कि मुखलिसपुर निवासी एक युवक का अपहरण कर लिया गया था, जिसकी सूचना परिजनों ने पुलिस को दी थी, जिसके बाद पुलिस ने महज 3 घंटे में युवक को बरामद कर अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर लिया है। प्रशांत कुमार हैं, जो प्राइवेट कोचिंग चलाते हैं, उन्हीं का कुछ लोग अपहरण कर लिए थे। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा त्वरित टीम का गठन किया गया और टीम द्वारा तकनीकी सहायता से रघुनाथपुर ओपी में अपहरिता को एवं अपहरित करने वाले रवि सहनी अपहरणकर्ता को बरामद किया गया है, रवि सानी को गिरफ्तार किया गया। खबर नालंदा से, जहां एक कृष्णा ने सिरिस्ता में आत्महत्या कर लिया। आपको बता दें कि कृष्णा उर्फ पांडू का नाम उप सरपंच की हत्या में आया था। इसी मामले को लेकर पुलिस ने कृष्णा से पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। वहीं इस मामले में एसडीओ ने बताया कि कृष्णा को पूछताछ के लिए पुलिस अपने साथ लाई थी, इसी दौरान कृष्णा ने सिरिस्ता में आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों ने थाने का घेराव कर जमकर हंगामा भी किया, जहां मौके पर डीएसपी एसडीओ समेत भारी संख्या में सुरक्षा बल मौके पर मौजूद रही। दो मिलकर पकड़ के लाया, कोरबा से चारों के लाया, दो छूट गए, इसको पकड़ के रखा, इसको पकड़ के इसका हूँ मारा, उसका हूँ मारा, सामने रहते हुए मारा, इसको 1,00,000 रुपया लिया था, कर रहा था छोड़ा है, आऊ मार के बर्बाद कर दिया, मार दिया ऊपर डेली माल मारता था, वो एसपी है दुसाद, अगर दुसाद को दूल्हे के छोड़ दिया भाई माल मारा। टाइम सूचना मिली करके, तब काफी सुबह में सूचना मिली कि एक जो क्या करा कैमरा नीचे रखे, एक जो अपना ये यहाँ पर एक पूछताछ के लिए लाया गया था एक गुंडी, उसने आत्महत्या कर। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3,00,000 से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, एक्टर से लेकर सिंगर तक, फिल्म जगत की हर चटपटी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। पहले पर्दे की अंदरूनी बातों पर होगी गॉसिप। देखिए बॉलीवुड मसाला सिर्फ प्राइम टीवी पर।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। बढ़ते हैं खबर की ओर। बेतिया में पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापेमारी कर शराब के मिनी फैक्ट्री को ध्वस्त कर दिया है। आपको बता दें कि पुलिस को मिनी फैक्ट्री चलाने की गुप्त सूचना मिली। पुलिस पदाधिकारी के दिशा निर्देश और थानाध्यक्ष के नेतृत्व में टीम गठित कर छापेमारी की गई, जिसमें हजारों लीटर की अर्धनिर्मित शराब नष्ट की गई। साथ ही करीब 10 लीटर चुलाई शराब भी बरामद की गई। वहीं एसडीपीओ ने बताया कि गुप्त सूचना पर छापेमारी की गई और हजारों लीटर अर्धनिर्मित शराब नष्ट की गई। वहीं छापेमारी में शराब बनाने के बर्तन और उपकरण बरामद किए गए। मौके पर कारोबारी भागने में सफल रहे। पुलिस कारोबारी को पकड़ने के लिए जाँच पड़ताल कर रही है। महुआ और गुड़ का जो पास होता है शराब बनाने के लिए जो उपयोग होता है वह भारी मात्रा में बरामद हुआ। वहाँ पर गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा और बनाने का बहुत सारा उपकरण बरामद किया गया है। छापेमारी दल को देख करके इस धंधा में लिप्त लोग भागने में सफल रहे। कुछ तैयार शराब भी बरामद हुआ है, करीब 10 लीटर, और बाकी सब उपकरण जो शराब बनाने के काम में आता है उसे बरामद किया गया है। बनाने वालों के विरुद्ध में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जाती है। भागलपुर में हत्या जैसे संगीन अपराध को अंजाम देकर अपराधी पिछले 7 महीने से पुलिस की गिरफ्त से फरार हैं। वहीं पीड़ित परिवार की गुहार पर न्यायालय को सुरक्षा गार्ड प्रदान करना पड़ता है। आपको बता दें कि भागलपुर में एक मजदूर को पुलिस की सुरक्षा मिली है। हाईकोर्ट में ईंट भट्ठे में काम करने वाले मजदूर को उसकी रक्षा के लिए एक पुलिस गार्ड मिला है। आपको बता दें कि मजदूर युवक ने गाँव के कुछ दबंगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था, जिसके बाद दबंग उस पर केस वापस लेने का दबाव बना रहे थे। जब युवक ने दबंगों की बात नहीं मानी तो दबंगों ने उसके 9 साल के छोटे भाई की निर्मम हत्या कर दी। मेरे माई को डायन करके पहले मारता था, उसके बाद जब अभियुक्त पे केस किए तो उसके बाद लगातार मुझे धमकी मिलने लगा। धमकी मिलने के बाद जो है मेरे 9 साल का भाई था, उसको मुंह में लकड़ी ठूस कर निर्मम तरीके से हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद 7 महीने से पुलिस पदाधिकारी, SP, DSP जो भी अधिकारी है, सारा रिसीविंग है, DGP तक मैंने पटना तक गुहार लगाया, लेकिन मुझे कोई अनुशासन के अलावा कुछ नहीं दिखा। उसके बाद न्यायालय में जाके मैं सुरक्षा की गुहार लगाई कि सर मुझे जान से मारने की लगातार धमकी दे रही है, बल्लू माफिया है, नामजद व्यक्ति लगातार बगीचे में गोली फायरिंग करता है। इस वजह से मुझे काफ़ी भयभीत हो गया, मुझे भी टॉर्चर करने लगा, मेरे पिताजी को भी टॉर्चर करने। इस प्रकार से हम सब पूरा भयभीत हो गए, समझ में नहीं आता था क्या करें। भागलपुर में सरस्वती पूजा को लेकर मूर्तिकार मूर्ति बनाने में लगे हुए हैं। बड़ी से छोटी प्रतिमाओं का निर्माण किया गया है। वहीं कलाकारों का कहना है कि बिक्री के समय लागत मूल्य मूर्तिकारों को नहीं मिल पाता है। साथ ही प्रशासन के द्वारा सभी को लाइसेंस निर्गत करने को लेकर भी मूर्ति की बिक्री काफी कम हो गई है। कलाकारों ने बताया कि एक प्रतिमा को बनाने में 3 से 4 हजार रुपए तक लग जाते हैं। वहीं महंगाई को लेकर भी बाजारों में ज्यादा सामान की ज्यादा कीमत बढ़ जाने के कारण मूर्ति कलाकार परेशान है। मूर्तिकारों को अब मूर्ति से संबंधित कहीं कुछ नहीं मिलता है, सब चीज़ का महंगाई हो गया है, कहीं कुछ नहीं है मूर्तिकारों के लिए। मूर्तिकार जितना मेहनत करता है उस हिसाब से पैसा नहीं मिलता है। और जो है ना, सामान है 1 रुपया का, पार्टी आएगा बोलेगा 5 हजार का मूर्ति है, बोलेगा 2 हजार दें, 1 हजार दें, तो इस तरह से हम लोग तो मतलब राजमिस्त्री लेबर से भी मतलब जो है ना बहुत, एक मूर्ति बनाते हैं 5 दिन 6 दिन समय लगता है, उसका मजदूरी भी कम से कम 2 आदमी का अगर जोड़िएगा तो 5 हजार रुपया मजदूरी होना चाहिए, लेकिन 5 हजार रुपया में हम लोग मूर्तियाँ बेचते हैं, सामान तो अलग है। भागलपुर में पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में आज नशा मुक्ति को लेकर एक अभियान चलाया गया, जिसका स्लोगन था आइए हम और आप मिलकर नशा मुक्त एवं अपराध मुक्त समाज बनाएं। वहीं इस अभियान में मध्य निषेध के पदाधिकारी और थाना प्रभारी समाज के लोगों को नशा से दूर रखने एवं अपराध मुक्त समाज बनाने की पहल करते दिखे। वहीं मध्य निषेध के पदाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री का कहना है बिहार नशा मुक्त बने, इसके लिए हम लोगों को भी इस पहल पर करने की जरूरत है। अपने बबरगंज थाना प्रभारी प्रमोद कुमार शाह के द्वारा ये आयोजन रखा गया था। इसमें हमारे सभी ग्रामीण भाई माता बहन बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए।
भागलपुर के स्थानीय विवाह भवन में फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के जिला सहप्रांतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी 38 जिलों से जन वितरण दुकानदार एवं प्रखंडों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष शामिल हुए। एसोसिएशन लगातार अपनी लंबित 8 सूत्री मांगों को लेकर कई महीनों से प्रदर्शनरत है। आपको बता दें कि 10 जनवरी को पटना में गर्दनी बाग में जोरदार प्रदर्शन किया गया था, लेकिन अभी तक मांग लंबित है। वहीं प्रदेश महामंत्री ने बताया कि हम सभी जन वितरण दुकानदार 7, 8 और 9 फरवरी को जिले भर में हड़ताल पर जाएंगे और 22 मार्च को दिल्ली के रामलीला से सांसद भवन तक मार्च करेंगे। जो हमारे 5 लाख जो हमारे विक्रेता हैं और खास करके बिहार में 55,000 में बिहार में अभी हूँ, बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, इनके बारे में नहीं सोचा, क्योंकि पहले तो कमीशन मिलता था, साथ ही साथ अभी यह कोई नीति ही नहीं बनी है कि हमको कितना कमीशन दिया जाएगा, कैसे पेमेंट किया जाएगा। आप ही बताओ कि पूरे भारतवर्ष में आज़ादी के बाद एक ऐसी सबसे बड़ी योजना जिसको चलाने वाले अगर पेट में कपड़ा बांध करके गरीबों की सेवा करेंगे तो हमको सम्मेलन नहीं करें, हम सड़क पर नहीं उतरे, हम धरना नहीं दें तो और हम क्या करेंगे। पूरे भागलपुर के जिला को संगठन मजबूत बना रहा, पूरे बिहार राज्य के प्रतिनिधि आए हुए हैं, उस प्रतिनिधि के माध्यम से आज हम लोग फैसला लेना है कि ऑल इंडिया के द्वारा जो घोषित किया हुआ आह्वान है 7, 8 और 9 फरवरी को पूरे बिहार राज्य का दुकानदार बंद रखेंगे, अपना पॉस मशीन बंद करके हड़ताल करेंगे और 22 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान से संसद भवन को मार्च करेंगे। आज के लिए बिहार की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ।